एनसीपी सांसद व एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पुणे के संत तुकाराम शिला मंदिर देहू में उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सुले ने इसे राज्य का अपमान करार कर दिया है। उन्होंने कहा पवार को बोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में संत तुकाराम मंदिर में पूजा अर्चना की और पुणे में एक शिला मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसी को लेकर सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया और कहा महाराष्ट्र के डीसीएम और पुणे के संरक्षक मंत्री अजीत पवार दादा को पुणे के देहू में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये महाराष्ट्र का अपमान है। अजीत पवार के कार्यालय ने अनुरोध किया था कि उन्हें कार्यक्रम में बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही जिला प्रभारी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। ये बहुत गंभीर, दर्दनाक, चौंकाने वाला और अनुचित है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। आपको बता दें, सुप्रिया सुले बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर देखी जा रही हैं। फिर चाहे वो देश के अलग अलग भागों में हुई हिंसा का मामला हो या नुपुर शर्मा के विवादित बयान का, सुप्रिया सुले को लगातार बीजेपी पर तंज कसता हुआ देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बनती हुई फिलहाल सुले नजर आ रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।